आपने अक्सर लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, लेकिन आम जिंदगी में कई बार ये बात सच साबित नहीं होती, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार्स के साथ तो इसका बिल्कुल उलट ही देखने को मिलता है। टीवी जगत में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार शादी रचाई, लेकिन वक्त का हसीन सितम ये रहा कि इनकी दूसरी शादी भी नहीं चली। पहली शादी के असफल हो जाने के बाद उन्होंने दूसरे जीवन साथी का तो हाथ जरूर थामा, लेकिन इनकी दूसरी शादी भी रही फेल। इनमें से कईयों ने तो घरेलू हिंसा भी सही थी, तो आज बात करते हैं इन्हीं हसीनाओं के बारे में। श्वेता तिवारी। सबसे पहले बात करते हैं टीवी की खूबसूरत हसीना श्वेता तिवारी की। श्वेता ने टीवी की प्रेरणा बनकर करियर में तो खूब नाम कमाया, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी कभी अच्छी नहीं रही। श्वेता ने अपनी पहली शादी सिर्फ 18 साल की उम्र में भोजपुरी एक्टर और प्रोड्यूसर राजा चौधरी से की थी, लेकिन इस शादी में उन्होंने मारपीट घरेलू हिंसा का सामना किया। इसके बावजूद भी ये रिश्ता सालों तक चला, लेकिन फिर साल 2007 में उनका ये रिश्ता खत्म हो गया। यह 2007 में दोनों ने डिवोर्स ले लिया। राजा से श्वेता को एक बेटी पलक है। इसके बाद श्वेता ने अभिनव कोहली से साल 2013 में दूसरी शादी रचाई। इस शादी से उन्हें एक बेटा रेयांश हुआ, लेकिन उनकी ये शादी भी कामयाब नहीं हो पाई। अब श्वेता अपने दोनों बच्चों की परवरिश सिंगल मदर के तौर पर कर रही है। दीपशिखा नागपाल। अगला नाम है टीवी एक्ट्रेस दीपशिखा नागपाल का। दीपशिखा ने साल 1997 में एक्टर जीत उपेंद्र से पहली शादी की थी। इनके दो बच्चे बेटी विधिका और बेटा विहान हुए। शादी के 10 साल बाद साल 2007 में दोनों का तलाक हो गया, जिसके बाद साल 2012 में दीपशिखा नागपाल ने एक्टर केशव अरोड़ा से दूसरी शादी की, लेकिन 4 साल बाद ही दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। यहाँ तक कि दीपशिखा ने केशव पर उनके और उनके बच्चों को मारने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनका तलाक हुआ। शादीशुदा जिंदगी में सुख नहीं मिलने के बाद अब अपने बच्चों की दीपशिखा खुद ही देखभाल करती हैं। चाहत खन्ना। टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। उनकी पहली शादी भरत नरसिंहानी से हुई थी, हालांकि ये शादी ज्यादा नहीं चली। एक्ट्रेस ने भरत पर मानसिक शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद चाहत को दूसरी बार फरहान मिर्जा से प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इस शादी में उन्हें घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा था। इसके बाद में वो अपने दूसरे पति फरहान से भी अलग हो गईं। स्नेहा वाघ। एक वीर की अरदास वीरा और ज्योति जैसे टीवी शो से फेमस हुई एक्ट्रेस स्नेहा वाघ की भी दो शादियां टूट चुकी हैं। स्नेहा ने पहली शादी महज 19 साल की उम्र में आविष्कार दाबेकर से की थी, लेकिन घरेलू हिंसा के चलते ये रिश्ता जल्द ही टूट गया था। इसके 7 साल बाद स्नेहा ने दूसरी शादी की, लेकिन उनकी शादी भी टूट गई। और लास्ट में नंदिता दास। आखिर में बात करते हैं एक्ट्रेस नंदिता दास की। नंदिता ने साल 2002 में सौम्या सेन से शादी की थी, लेकिन 5 साल बाद साल 2007 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद 2010 में नंदिता उद्योगपति सुबोध मस्कारा से शादी कर मुंबई शिफ्ट हो गईं। मगर फिर साल 2017 में इस जोड़ी ने खुद के अलग होने के बारे में बताया था।